जिसमें तेजस्वी। हाँ आएंगे ही। क्यों तेजस्वी? आज सरकार बनेंगे ही तेजस्वी। नीतीश कुमार? नीतीश कुमार जाएगा नलों में। क्या लगता? हमारा सब नहीं समझ में आएगा। चिराग पासवान को नहीं पहचानते? ना हम नहीं पहचानते। तेजस्वी यादव को? वही क्या चिराग पासवान तेजस्वी के साथ आ सकते? बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? यंग ब्लड है, अच्छा काम करेंगे। अगला बार जो नीतीश कुमार सरकार बना बिहार में, जनता लोग मजबूरी से उसको वोट दिया। बिल्कुल नाराजगी, उनको सिर्फ कुर्सी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बस पब्लिक जहन्नुम में जाए उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो साथ में आएंगे तो बिहार की जनता स्वागत करेगी? हाँ हाँ बिल्कुल स्वागत करेंगे। स्वागत के लिए तैयार है? हाँ हम लोग सब एकदम स्वागत के लिए तैयार है। चिराग पासवान तेजस्वी साथ में आएंगे तो कुछ अलग होगा? बिल्कुल बिल्कुल अलग होगा। यंग ब्लड है, अच्छा है, चलाएगा। बीजेपी को हवा लगेगा, झटका लगेगा 25 में। 25 में झटका लगेगा? करोड़ झटका लगेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज, मैं हूँ आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि देखिए बिहार में अब एनडीए गठबंधन की सरकार बन गई है, लेकिन देखिए अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है और ये चर्चाएं भी अब तेज हो गई है कि एक बार फिर से बिहार में कुछ होने वाला है। यानी कि जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, वो नाराज चल रहे हैं केंद्र सरकार से यानी बीजेपी से। और चर्चाएं ये भी हो रही है कि क्या चिराग पासवान अब तेजस्वी के साथ आएंगे। देखिए मतलब कुछ आम लोग हैं, हम इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए चिराग पासवान लग रहा है कि तेजस्वी के साथ आ जाएंगे? हाँ तेजस्वी के साथ आएंगे, चिराग पासवान आएंगे। क्यों आएंगे? क्यों आएंगे जी? अगला पार्टी जो है बीजेपी में नीतीश कुमार जाके सट रहे हैं जी, ठीक है। इसके वजह से अगला बार जो नीतीश कुमार सरकार बना बिहार में जी, जनता लोग मजबूरी से उसको वोट दिया। किसको मजबूरी से वोट दिए? नीतीश कुमार को। बीजेपी कुमार को सट गया? नीतीश कुमार को मजबूरी में वोट दिए थे? मजबूरी में कहां जाएंगे? मजबूरी क्या था कि बीजेपी आएंगे तो काम करेंगे बिहार में जी, गरीब जनता जो भी है मजदूर के लिए वो करेंगे, लेकिन कुछ नहीं किया। इसके वजह से अबरी जो है नीतीश कुमार को भी सटाया है बीजेपी। बीजेपी को हवा लगेगा, झटका लगेगा 25 में। 25 में झटका लगेगा? करोड़ झटका लगेगा। कैसे झटका लगेगा? क्यों झटका लगेगा ये बताइए। इसलिए काम नहीं कर रहा है, अब गरबदलू सरकार को मिला लेता है, साथ में रख लेते हैं। नरेंद्र मोदी तो बोल रहे कि इतना काम कर रहे हैं। कुछ नहीं, राशन मिलता है ना जी? राशन मिलता है, वो ऊपर से केंद्र सरकार दे रहा है ना। नीतीश कुमार मोदी तो काम कर ही रहे हैं। मोदी 25-24 में कहाँ हार रहे हैं? मोदी तो एकदम खुले में निकल रहा है। 24 में मोदी 25 में तेजस्वी। 25 में तेजस्वी? हाँ आएंगे ही। क्यों तेजस्वी? आज सरकार बनेंगे ही तेजस्वी। नीतीश कुमार? नीतीश कुमार जाएगा नलों में। नाला में? हाँ नाला, वो नाला साफ करने के लिए जाएगा। मुख्यमंत्री इतना बिहार के लिए? ना वो हम देखिए भागलपुर से हैं जी, समझा ना, भागलपुर जिला से, और पीरपैती प्रखंड हम लोग का पड़ता है वहाँ जब भी। 25 में तेजस्वी? हाँ। अच्छा ये बताइए अगर चिराग पासवान तेजस्वी के साथ आते हैं हाँ, तो बिहार की जनता उसको कैसे देखती है? कैसे देखते हैं? आगे देखे लालू यादव क्या ना किया, मुंह में बोली सब गरीब जनता को दिया, वही दिया है लालू यादव। लालू यादव आवाज दिए हैं तब? लालू किसी देखिए बता देते हैं जी, किसी का इतना जो है गरीब लोग का मुंह में बोली नहीं था। आप लोग बताइए। हमारा ये सब ना समझ नहीं, वोट मारते हैं ना? हाँ, वोट तो मारते ही होंगे। ये बताइए कि चर्चा ये भी हो रहा है कि अब चिराग पासवान तेजस्वी के साथ आ सकते हैं, क्या लगता है आपको? हमारा ये सब नहीं समझ में आएगा। चिराग पासवान को नहीं पहचानते? ना हम नहीं पहचानते। तेजस्वी यादव को? वही कहने हैं। पहचानते हैं जी। क्या लगता है चिराग पासवान अगर तेजस्वी के साथ आएंगे बिहार की जनता उसको कैसे देखती है? आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना तो चाहिए चिराग पासवान जी के। आना चाहिए? आने से क्या मतलब, आने से कुछ बदलाव होगा? दम होगा, तेजस्वी यादव आ जाएंगे जरूर बदली हो जाएगा जी। जी मतलब बिहार की जनता चाहती है कि चिराग आ जाए? चाहते तो हैं तेजस्वी के साथ। यस आप बताइए अब बिहार में ये चर्चा हो रही है कि चिराग पासवान, उनको तो पहचान ही रहेंगे, रामविलास पासवान के बेटे हैं, चर्चा हो रही है कि चिराग पासवान तेजस्वी के साथ आ सकते हैं। बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? यंग ब्लड हैं, अच्छा काम करेंगे, अच्छा नेतृत्व करेंगे यहाँ का, बिहार का जी, विकास करेंगे जी। ये तो
नीतीश कुमार तो इधर जाएंगे उधर जाएंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, उसी में टाइम पास हो गया। अभी आप लोग नीतीश कुमार से नाराज लग रहे हैं जी? बिल्कुल बिल्कुल, काम किए बिहार के, बिल्कुल नाराजगी रहेगा, बिल्कुल हमेशा नाराजगी रहेगा उनसे, बिल्कुल नाराजगी। उनको सिर्फ कुर्सी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए जी, बस पब्लिक जहन्नुम में जाए उससे कोई मतलब ही नहीं है। मतलब नीतीश कुमार को कुर्सी चाहिए? कुर्सी ही चाहिए, कुर्सी से चिपके रहते हैं। चिराग पासवान आते हैं साथ में आएंगे तो कुछ अलग होगा? बिल्कुल बिल्कुल अलग होगा, यंग ब्लड है, अच्छा है, चलाएगा। आप बताइए इधर आइए, कहाँ कहाँ के रहने वाले? हम छपरा के रहने वाले। छपरा के, ये बताइए 24 में किसकी सरकार बनेगी, ये बताइए किसको वोट कीजिएगा? 24 में आरजेडी को। आरजेडी को 24 में आरजेडी को क्यों कीजिएगा? लोकसभा का है। ये बताइए चिराग पासवान तेजस्वी के साथ अगर आएंगे तो बिहार की जनता उसको कैसे देखेगी? दोनों अगर आ जाएंगे तो दोनों एक साथ विकास करेंगे, दोनों मिलकर विकास करेंगे। विकास करेंगे, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? लोकसभा का चुनाव है ना, ये आना चाहिए, ये इंडिया गठबंधन को लोकसभा में इंडिया लोक, जी इंडिया गठबंधन को ही आना चाहिए। इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन तो खाया हवा हवाई चल रहा है ऐसे ही फालतू में। अच्छा, मतलब लोकसभा में भी इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन जो रहेगा सही रहेगा, यहाँ से लीजिए और यहाँ से नेता। क्या कुछ आप बोल रहे थे चिराग पासवान तेजस्वी अगर साथ में जाएंगे? हाँ वो तो बिल्कुल सही रहेगा बिहार के लिए, सही रहेगा एकदम, बिल्कुल सही रहेगा। बोलिए, सब कुछ तो बोल रहा है, आप इधर आइए, इधर आइए, आपको क्या लगता है, आप बताइए। हम तो वही बोलते हैं, अति क्या बोलते हैं इसका, रामविलास पासवान का बेटा का नाम भूल गया इसका, चिराग पासवान। और जब भी मुख्यमंत्री जो था ये रामविलास पासवान था, वो रेल सरकार जो भी बना था वो जितना काम किया था रामविलास पासवान, उसी का बेटा है चिराग पासवान। तो मतलब साथ में आएंगे तो बिहार की जनता स्वागत करेगी? हाँ हाँ बिल्कुल स्वागत करेंगे, स्वागत के लिए तैयार है। हाँ हम लोग सब एकदम स्वागत के लिए तैयार है कि चिराग तेजस्वी साथ में आ जाए। आ जाए एकदम खुलियाम, हम लोग सब दोनों हाथ से एकदम वोट दे देंगे, दोनों हाथ से एकदम हाथ उठा के एकदम वोट दे देंगे। स्वागत कीजिएगा, स्वागत करेंगे। चलिए, तभी आपने देखा मेरे साथ कुछ लोग थे, आपको बता दें कि जिस तरीके से इन दिनों चर्चाएं चल रही है कि तेजस्वी चिराग पासवान एक बार फिर से तेजस्वी यादव के साथ आ सकते हैं। देखिए, अब इन तमाम चीज़ों को लेकर जब हम लोगों से जानने पहुंचे थे कि लोग अगर चिराग पासवान तेजस्वी यादव के साथ आते हैं तो क्या बिहार की जनता स्वागत करेगी या फिर बिहार की जनता कैसे देखती है, तमाम लोगों ने अपना अपना राय दिया। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना था कि चिराग तेजस्वी अगर साथ में आ जाएंगे तो बिहार में काफ़ी कुछ बदलाव दिखेगा, क्योंकि दोनों लोग यंग ब्लड है। और साथ ही साथ इन लोगों ने ये भी कह दिया कि 24 के चुनाव में भी हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं और 25 में तो तेजस्वी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, नीतीश कुमार का सफाया होना तय है। और भी क्या कुछ कहना था इन लोगों का वो अपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक धन्यवाद।